हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बेचने के लिए रेडी हो चुके हैं, ताला लगा दिया, अभी शुरू कर रहे हैं। आने वाले हैं दोनों, रात यहीं लगाई थी ट्रॉली, यहीं से उठ गया हूँ, हाथ पैर मुँह धो के आया, चाय पी ली है, अभी वो दोनों आने वाले हैं, फिर बेचेंगे शुरू सही से। नारियल पानी कम से कम 50 मंजिल होगा, कम से कम 50 मंजिल, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, गिनती में भी नहीं आते। अद्धी खाली हो गई है, आज शाम तक खाली भी हो सकती है, नहीं भी, चांस तो खाली होने का है, थोड़े कट्टे बचे हैं, खाली हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। अब जा रहे हैं दनास मंडी के पास लगाने के लिए। बारिश की वजह से परेशान हो गए, नहीं तो दो दिन में तीन दिन में खाली हो जाती, वैसे भी आज तीसरा दिन है, आज खाली हो जाएगी तो ठीक है, क्योंकि पहले दिन पूरा माल नहीं बिका, अब की बार तो दो दिन में खाली हो जानी थी, पहला दिन पूरा माल नहीं बिका, बारिश ने परेशान कर दिए, कल भी बारिश ने परेशान कर दिए शाम को, कहाँ तो 11 बजे तक बेचते थे, कहाँ रात 9 बजे मैं रोटी खा के सो गया था, 9:30 बजे। बारिश ने परेशान कर रखे हैं, और उस दिन मैं पहले दिन आया, बारिश भी घुस गई थी इसके अंदर, तरपाल के अंदर छोटा सा छेद था, उसमें पानी घुस गया, पांच पांच लाइन कट्टों की हैं तो उनमें पानी घुस गया है, ख़राब से हो गए थे वो, अब धूप लगी, धूप लगने के बाद में सेट हो गए वो, भी बेच रहे हैं फिर उनको, ये देखो सारे ऊंचे वाले नीचे कर दिए। दिन छिप गया, 5-10 मिनट में दिन छिप जाएगा, आधी खाली हो गई है, थोड़े रह गए 100-120 कट्टे। प्याज खराब हो गया, प्याज गर्मी के कारण ख़राब हो गया सारा प्याज, जितने भी बचे हैं थोड़े बहुत बचे हैं साफ इसमें, बाकी सब खराब हो गया, तो रात मेरा फ़ोन बंद हो गया था, वीडियो एडिट करनी भी नहीं कर पाया। प्याज बहुत बेकार है, प्याज आज भी गया। हाँ जी अंकल जी, 200 की बोरी है जी, 20 किलो जी, 10 रुपये किलो। हाँ जी नवा प्याज है जी, चलिए इस वीडियो करते हैं, आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कैसे बेचा, कितने रुपए बचे, अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो, और इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।